अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो अब हो चुकी है हमारी सुबह, तो अब हम नाश्ता बनाएंगे। नाश्ता नहीं बना रही, बस चाय बनाऊंगी। चाय के साथ हम लोग खाएंगे पापे, क्योंकि आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना पापे ही खा लें। तो बस मैं चाय बनाऊंगी, मेरे हस्बैंड गए हैं दूध लेने, तो वो जब आते हैं तो आप लोगों को दिखाएंगे। फाइनली इसके उमेमा के बाबा और उमेमा लेकर आ गए थे पापे भी और दूध भी, तो मैंने चाय बना ही ली थी। तो मैंने कहा अपने फ्रेंड्स को भी दिखा देती हूँ कि आज हम पापे खाएंगे। और ये रहे उमेमा के बाबा और ये रही उमेमा। नहीं देख रही हैं, इतरा रही हैं बहुत ज़्यादा। तो आपसे मिलते हैं नाश्ते के बाद। तो उमेमा को कर दिया था मैंने तैयार, मैंने कहा आप लोगों को भी दिखा देती हूँ कि उमेमा हो गई थी तैयार। हमने नाश्ता कर लिया था तो मैंने बोला उमेमा को भी तैयार कर देते हैं। और उमेमा बहुत ज़्यादा रो रही हैं बाहर जाने के लिए, और उमेमा अब जा रही हैं बाहर। बाय बाय कर दो, बाय 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 बाय। उमेमा को मैंने तैयार कर दिया था और उसको भेज दे बाहर। अब मैं करूँगी अपना घर का काम, फिर घर के काम के बाद आप लोगों को दिखाएंगे कि आज हम कहाँ जाएंगे और आज हम क्या करेंगे। तो अब हो गया था दोपहर का टाइम, तो मैंने बना ली थी अपने लिए रोटी और उमेमा के बाबा के लिए बना दिया था चीनी का पराठा, क्योंकि इनको चीनी का पराठा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कहा चलो आज इनको चीनी का पराठा बना के दे देती हूँ। और यहाँ मैंने कल बनाई थी दाल, और दाल अभी देखें गरम हो रही है, गैस हमारा नहीं आ रहा है तो मैं सिलेंडर पे बना रही हूँ। तो उमेमा बाहर से आ गई थी और फिर सो गई थी, अभी उठी हैं ये और चीज़ मांग रही थी, तो इनके बाबा दिला के ले आए थे इनको चिकन टिक्का दाल मोट, तो अब ये खा रही हैं। उमेमा फाइनली हम लोग हो गए थे रेडी, तो मैंने कहा अपने फ्रेंड को भी दिखा देते हैं कि हम लोग जा रहे हैं बाहर, और बाहर जाके देखते हैं क्या खाते हैं। उमेमा बाय बाय कर दो, हम बाहर जा रहे हैं। चलो तो फाइनली हम लोग आ गए थे चिप्स खाने, हम लोग अंडे वाली चिप्स खाने आए हैं, तो आप लोगों को भी दिखाएंगे जब ये लोग चिप्स बनाएंगे। तो इनसे पहले हम इजाज़त लेंगे कि हम आपकी वीडियो बना सकते हैं, तो फिर हम बनाएंगे और आपको भी दिखाएंगे। अंडे जिसमें अंडा डाल दिया है, अब ये देखें अच्छी तरह मिक्स करके, और अब उसमें डाल देंगे। तेल गरम हो रहा है यहाँ पे, जिसमें डाल दिया है भाई ने, और अब ये डालेंगे। तेल गरम होने का इंतज़ार हो रहा है, तो बस तेल गरम होते ही इसमें चिप्स ऐड कर देंगे। देखें डाल दिए है चिप्स, देखें फ्राई कर रहे हैं। और हम लोगों को जब भी चिप्स खानी होती है तो हम यहीं आते हैं खाने।
अब जब ये रेडी हो जाएगी तो आपको फाइनल लुक दिखा देंगे। तो फाइनली देखें हमारी चिप्स आ गई थी, रेडी हो गए। इन्होंने मसाला वगैरह डाल के दिया है और ये मसाला अलग से भी दिया है। और उमेमा के बाबा और उमेमा ये बैठे हुए हैं। ए फाइनली हम लोगों ने चिप्स खा ली थी, अब देखते हैं हम कोल्ड ड्रिंक पियेंगे या लिमका। तो अब हम आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। पहले हम देखते हैं, डिसाइड करते हैं कि हम क्या पियेंगे। तो फाइनली हम लोग आ गए थे गन्ने का जूस पीने, तो हम लोग गन्ने का जूस पी के फिर आप लोगों को दिखाएंगे। उमेमा के पापा पी रहे हैं गन्ने का जूस। यही उमेमा को भी पिलाओ। उमेमा को भी पिला रहे हैं ये, और मैंने फिनिश करके और इनके हाथ में पकड़ा दिया था अपना गिलास, और ये इन्होंने अभी तक नहीं पिया। तो मैंने कहा क्यों ब्लॉगिंग कर लूँ थोड़ी सी, तो इसलिए मैं ब्लॉगिंग कर रही थी। तो मुझे फ्रूट वाले भी दिख गए थे, तो मुझे अमरूद बहुत ज़्यादा पसंद आए क्योंकि ये हरे हरे हैं और मैं हरे ही अमरूद खाती हूँ। और मुझे फिर मैंने कहा चलो ले ही लेते हैं। तो 200 के 1 किलो थे, तो मैंने 100 रुपये के 0.5 किलो अमरूद ले लिए। तो मैंने अमरूद ले लिए थे वहाँ से, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मम्मा के घर से लिया जाए, क्योंकि लाइट तो गई भी होगी। तो मैं यहाँ पे आ गई थी मम्मा के घर, और भाभी ने बनाया था अचार गोश्त का सालन। तो अब हम लोग खाएंगे खाना, तो फिर आपको भी दिखाएंगे कि उन्होंने कैसा बनाया है खाना। ये देखें यहाँ पे हमने शुरू कर दिया था खाना, और ये मुहित भी यहाँ बैठे हुए हैं, मम्मा भी बैठी हुई हैं, मुनीजा भी, भाभी भी और भाई भी बैठे हुए थे, और उमेमा के बाबा और उमेमा ये बैठी हुई। उमेमा बहुत ज़िद्दन हो गई हैं, बहुत ज़िद्द करती हैं हर बात की कि मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है, पर खाती ये कुछ भी नहीं है। देखें हम सब खाना खा रहे हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त खाना बना हुआ है। भाभी ने बहुत अच्छा अचार गोश्त बनाया है। मेमा क्या मांग रही हो बेटा? हड्डी हड्डी चाहिए मेरी बेटी को, ये लो हड्डी। बस मेरी बेटी हड्डी बहुत शौक से खाती है, क्योंकि मैं भी हड्डी खाती हूँ, तो इसको भी बहुत ज्यादा पसंद है। तो बेटी बिल्लियाँ बिल्ली हो मेमा? और मेरे भाई कह रहे हैं कि हम दोनों माँ बेटी बिल्ली हैं, इसलिए हम लोग हड्डी खाते हैं। तो देखें उमेमा खा रही हैं हड्डी, और अब इनको लग गई मिर्चें। तो फाइनली हम लोग आ गए थे घर पे, तो मैंने कहा अब करते हैं व्लॉग का एंड। और मेरे आप लोग बताइएगा आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, और साथ साथ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को कीजिएगा। तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।